गुड मॉर्निंग क्लास एट हम कर रहे थे रिवीजन चैप्टर थ्री का कल मैंने एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन के कुछ सम्स बताए थे और फॉर्मूले भी अब एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू है पहले तो फार्मूला देख लीजिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी एक्सटीरियर एंगल्स का सम थ्री सिक्सटी डिग्री होता है अच्छा और हमारे पास फॉर्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्व टू थ्री सिक्सटी बाई एन ओके तो इस इन दो फॉर्मुलों पे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कुछ करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के मैं तो केवल बस कुछ कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं आपको सारे करने हैं क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको अच्छे से आने चाहिए जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल देखो सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट है एन इज इक्व हमारी फिफ्टीन है फिफ्टीन साइड्स ईच एक्सटीरियर एंगल निकालनी है तो ईच एक्सटीरियर एंगल इजिक्वस टू थ्री सिक्सटी अपॉन फिफ्टीन तो फिफ्टीन टू ज थर्टी फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी तो ट्वेंटी फोर डिग्री होगा ईच एक्सटीरियर एंगल ओके अब हमें साइड्स निकालनी है जैसे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल अब की बार देखिए इंटीरियर ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू हमारा है 165 डिग्री तो सबसे पहले ईच एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर में कैसा रिलेशन होता है मान लो ये इंटीरियर है ये वाला तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर हमेशा ही लीनियर पेयर बनाते हैं तो ये 165 है तो एक्सटीरियर एंगल तो देअर फोर आप निकालेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इजिकल टू वन एटी माइनस वन सिक्सटी फाइव तो दिस इज 15 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा 15 डिग्री हो गया तो दे फोर अब हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो फॉर्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा 360 सिक्सटी अपॉन एन तो यहां ईच एक्सटीरियर एंगल 15 है 360 सिक्सटी अपॉन एन अब इस एन को हम इधर लेके जाएंगे तो एन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी अपॉन फिफ्टीन आंसर फिर 24 तो 24 साइड्स होंगी एन हमें निकालना था देअ फोर नंबर ऑफ साइड्स नंबर ऑफ साइड्स एन इजिकल टू ट्वेंटी ओके तो ऐसे करके आप एक्सरसाइज 3.2 कर लेंगे और अब हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ एक्सरसाइज 3.3 में मैं चल रहा हूं सारी प्रॉपर्टीज आपको एक बार रिवाइज करनी है और इसके कुछ क्वेश्चन मैं कर लूंगा देखो क्वेश्चन नंबर फाइव जैसे द मीजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेलोग्राम देखो पेरेलोग्राम का फिगर मैं एक रफ फिगर बना रहा हूं ये हमारा पैरेलोग्राम है प्रॉपर्टी क्या है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल सी डी देखो क्या है ये इसके बराबर होता है ये इसके बराबर होता है ये तो आपने पढ़ा है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेलोग्राम आर इक्वल और दूसरा आपने ये भी पढ़ा है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू वन एट्टी बी प्लस सी इज टू वन एट्टी सी प्लस डी इक्वल टू वन एट्टी डी प्लस ए इजक्स टू वन एटी तो अब हमें टू एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दे रखा है क्वेश्चन नंबर फाइव है ये एंगल ए रेशियो एंगल बी इज इक्व टू थ्री इज टू टू मैंने बताया इनको अगर अलग करते हैं तो लेट एंगल ए इज इक्व टू थ्री एक्स एंगल बी इज इक्वल टू टू एक्स ओके तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री आप लिखोगे एडजेंट एंगल्स ऑफ आ पैरेलोग्राम आर सप्लीमेंट्री ओके तो एक है थ्री एक्स दूसरा है टू एक्स जीक्व टू तो वन एट्टी डिग्री ऐसे ही है ना चलिए तो फाइव एक्स जीकल्स टू वन एट्टी डिग्री सो एक्स जीकल्स टू वन एट्टी डिवाइडेड बाई फाइव दिस इज फाइव थ्री जा फिफ्टीन फाइव सिक्स जा तो थर्टी सिक्स आ गया देर फोर एंगल ए इज इक्वल टू थ्री x, एक्स थर्टी थर्टी सिक्स दिस इज वन जीरो एट डिग्री a is equals to c is equals to 108 degree opposite angles of parallelogram opposite angles of parallelogram okay as a b 2x 2 into 36 degree this is 72 degree so b is equals to d is equals to 72 degrees again the same criteria we are going to follow opposite angles ऑफ पैरलोग्राम ओके तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस और भी ट्राई कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स है सेवन है एक और क्वेश्चन देखिए ये एर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट है आप लोगों के लिए ये कर रहा हूं मैं देखिए क्या है इसमें हमारे पास आर यू एन एस इज अ पैरलेलोग्राम आर यू एन एस इज अ पैरलेलोग्राम इसमें आपको x निकालना है और y निकालना है आप तभी कर पाएंगे इस तरह का क्वेश्चन जब आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होंगी तो हमें मालूम है कि डायगनल्स ऑफ रोम्बर सॉरी डायगनल्स ऑफ पेरेलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर इसका मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होंगे इसका मतलब y प्लस सेवन इज इक्वल्स टू ट्वेंटी यहां लिखोगे डायगनल्स ऑफ पैरेलोग्राम बाईसेक्ट ईच अदर ओके okay, तो y इज इक्वल टू ट्वेंटी माइनस सेवन तो ये हो गया थर्टीन सेंटीमीटर अब दोबारा डायगनल्स और था तो x प्लस वाई सिक्सटीन के बराबर हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वस टू सिक्सटीन सेम प्रॉपर्टी आप लिख दोगे डायगनल्स ऑफ रोमबस बाई सेक अदर मैंने पहले लोग बाई अदर मैंने पहले लिख दी तो इसलिए मैंने डैश डैश करके लिख दिया देखने वाले को पता चल जाएगा कि इसने ऊपर लिखा है तो नीचे इसको मालूम ही है इसने ऐसे लिख दिया तो आप एक बार लिख के दूसरी बार ऐसा कर सकते हैं तो एक्स प्लस थर्टीन इज इक्वल टू सिक्सटीन तो एक्स इज इक्व टू सिक्सटीन माइनस थर्टीन दिस इज थ्री सेंटीमीटर तो हमारा तो x और y आपको पता चल गया थ्री और थर्टीन वैल्यू आ गई इनकी ओके तो चलिए थ्री सेंटीमीटर लाइन नहीं है वैल्यू है तो आप इसको केवल ऐसे रख सकते हैं तो इस तरीके से ये हमारे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे थर्ड चैप्टर का रिवीजन मुझे लगता है ऑलमोस्ट हो गया है अब आप फिफ्थ चैप्टर का रिवीजन करेंगे थर्ड चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा हम फिफ्थ चैप्टर का रिवीजन कल से शुरू करेंगे थैंक यू